बात समझ के चले जाओ। जब कभी भी आपको नेक्स्ट एलिमेंट, सुन लो, जब कभी भी आपको नेक्स्ट एलिमेंट स्मॉलर देन पिवट मिले, तो यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 15। जैसे ही स्मॉलर देन या इक्वल टू मिले, इसको एंसर की करो। क्या कर दो? एंसर की करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्मॉलर। ये क्या हो गया? लेफ्ट सब है, अभी तक लेफ्ट सब है। कहां पर है आपका लेफ्ट सब है? कहां पर है आपका? यहीं पर ही है, 16 पर। कहां होना चाहिए? अभी ग्रो होना चाहिए। जब भी स्मॉलर मिले तो लेफ्ट सब एलिमेंट नेक्स्ट मान लो आपने लिया है आई, या इसे नेक्स्ट को दे दो एल एस, और इसको ले लो नेक्स्ट फाइन फाइन। तो नेक्स्ट के थ्रू क्या होगा? आपका राइट सब एरे होगा, और एलएसए के थ्रू आपका क्या होगा? लेफ्ट सब एरे। तो एलएसए इंडेक्स इनिशियली किस पे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे। आपको क्या करना है? आप जैसे ही स्मॉलर मिला आपको उसको ग्रो करना है। तो स्मॉलर मिलते ही उस एलिमेंट को तो क्या कर दो? एंसर किल कर। ठीक है, और एंसर किल करके एलएसए प्लस वन को भी एंसर किल करो, और इस एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो एलएसए प्लस वन के साथ, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट आपको क्या मिला है? स्मॉलर मिला है। तो लेफ्ट सब एरे का इंडेक्स ग्रो होना चाहिए। लेफ्ट सब एरे का इंडेक्स ग्रो होने के लिए वो लेफ्ट सब एरे आपका एलएसए प्लस वन पोजिशन का जाना चाहिए। एलएसए प्लस वन, एलएसए प्लस वन को एंसर किल करो नेक्स्ट, तो एंसर किल नहीं तो स्मॉलर मिला तो एक्सचेंज करो। फॉर्चुनेटली दोनों सेम है, तो एक्सचेंज होने पर यही इनका यही रहेगा, तो इनको एक्सचेंज करने के लिए क्या सही बना देंगे। फिर वापस इनको करने के बाद में, इनको करने के बाद में नेक्स्ट को इंक्रीज करो। तो नेक्स्ट अब आपका कहां चला गया? यहां। तो इनिशियली नेक्स्ट तो कहां होगा? नेक्स्ट तो कहां होगा? स्टार्ट इन नेक्स्ट प्लस वन पोजिशन पर। और एलएसए कहां होगा? इस बात को नोट कर लेना, इनिशियली एलएसए इज इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स और नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स प्लस वन। एलएसए प्लस वन नहीं, स्टार्ट इंडेक्स प्लस इनिशियल, ऐसे आपका ये ग्रुप है। नेक्स्ट वाला भी वही स्मॉलर मिला एलएसए प्लस वन, एलएसए प्लस वन भी पैसा के लिया, दोनों सेम ही है, दोनों को आपस में एक्सचेंज कर। अब आपको ग्रेटर मिला, अब नेक्स्ट कहां गया? ये ग्रेटर मिला। ग्रेटर मिलने में इसको अंडरलाइन करो और आगे बढ़ो। इसको अंडरलाइन करो और सो दिस बिकम्स द एलिमेंट ऑफ राइट सब एरे। जो अंडरलाइन एलिमेंट होंगे वो आपके राइट सब एरे का पार्ट होगा फाइन, और जो भी एंसर किल एलिमेंट होगा वो लेफ्ट सब एरे का पार्ट होगा। कैटिंग अब देखो, फिर वापस आपको 18 मिला नेक्स्ट, ये क्या है? ग्रेटर। जब कभी भी नेक्स्ट में ग्रेटर एलिमेंट मिले अंडरलाइन करो नेक्स्ट आगे। राइट सब एरे ग्रो हो रहा है, लेफ्ट सब एरे नहीं हो रहा। फिर वापस 20 पे ये अंडरलाइन, 20 भी राइट सब एरे। अब नेक्स्ट आगे किस पर? क्या है ये पिवट से? पिवट से कंपेयर करना है, पिवट से स्मॉलर है एंसर के लिए।
एलएसए कहां पर है? एलएसए कहां पर है? इंडेक्स 13 पर है, 13 पर है। क्या होना चाहिए एलएसए? लैप्स वगैरह ग्रो होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। इसका मतलब ये 12 इस पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब एलएसए प्लस 1 LSA प्लस 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको किसके साथ एक्सचेंज करना है? एक्सचेंज क्योंकि ये एक्सचेंज में एलिमेंट्स बदल रहे हैं, इसलिए हम आप यहां पर वापस लिखेंगे 16, 15, 13, 13 के बाद क्या गया? 12, 12 पर क्या है आपका? LSA और 18, 20, 23, 23 पर आपका क्या है? नेक्स्ट और 21। एक्सचेंज करने के बाद नेक्स्ट को इंक्रीज करो, नेक्स्ट पर क्या एलिमेंट मिला? 21 मिला, ये भी अंडरलाइन हो जाएगा। भाई ये सब एन सर्किल है, इन पर डबल सर्किल है, डबल सर्किल मतलब ये फिर से एक चेंज हुई थी, मिल गया। नेक्स्ट 21 था राइट सब एरे ग्रो होगा, नेक्स्ट के थ्रू क्या ग्रो हो रहा है? फिर वापस अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाओ, कहां पहुंच गए? एरे के बाद पहुंच गए। क्या होना चाहिए? पार्टीशन प्रोसीजर खत्म पहली बार में, ठीक है कि नहीं? लूप खत्म, पहला लूप खत्म। अभी पार्टीशन प्रोसीजर में काम बाकी है, क्या काम बाकी है? जब ये लास्ट में पहुंच जाए तो ये काम करना बंद करो। अब क्या काम करोगे सर? जो आपका एलएसए पर एलिमेंट है, जो आपका एलएसए पर एलिमेंट है उसको ऐसा ब्लॉक बनाओ और पिवट एलिमेंट पर ब्लॉक बनाओ और इन दोनों का एक्सचेंज करो। एक्सचेंज आफ्टर एंड ऑफ एरे, एरे मीन्स इसे सब है, ये एक्सचेंज होते ही पार्टीशन प्रोसेसर खत्म हो गया। रिटर्न, क्या रिटर्न करोगे? रिटर्न एलएसए, लेफ्ट सब एरे का इंडेक्स रिटर्न करोगे। दिस इज योर पार्टीशन इंडेक्स, क्या है ये? आपके 16 को फाइनल पोजीशन मिल गई कि नहीं? ये पोजीशन आ गई कि नहीं? ये पोजीशन आई कि नहीं? ये एक्सचेंज होने के बाद 16 इधर आ जाएगा, 15 थर्ड 3 12 इसके लेफ्ट साइड। अब देखो 15 13 12 आपने बाय ऑब्जर्वेशन बताया इसके लेफ्ट में, आपने ये बोला था किसका क्या इंडेक्स है? स्मॉलर वाले लेफ्ट साइड में आएंगे, लेकिन जो प्रोसीजर आपने यूज किया उसमें 12 फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, 12 15 13 आया। तो ये कुछ भी हो सकता है, बात सिर्फ इतनी है कि सारे स्मॉलर लेफ्ट साइड, ठीक है? इसी को मैंने प्रोग्राम में वो किया, आप प्रोग्राम मत देखना, पार्टीशन फंक्शन को खुद से लिखना और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना, एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम कंप्लीट करके उसको मेमोरी रन करना, फिर उसके बाद उसका प्रोग्राम बनाना।